हाय गाइस, आज हम बात करेंगे 2021 में इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की। हमने 2021 में काफी माइलस्टोन्स देखे हैं, दुनिया की लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव से लेके सेंसेक्स और निफ्टी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तक। बात करें इस परफॉर्मेंस की तो इंडिया के स्टॉक बेंचमार्क्स ने अपने ग्लोबल पेयर्स को आउट परफॉर्म किया है। ये साल प्राइमरी स्टॉक मार्केट्स के लिए भी गोल्डन ईयर रहा है, एज 63 आईपीओज ने 15.5 बिलियन डॉलर्स रेज किए हैं। फरवरी 1 को यूनियन बजट की अनाउंसमेंट के बाद बुल रन शुरू हुआ था। ये रन कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से ठंडा पड़ गया। एंड ऑफ जुलाई से हमने एक और बुल रन देखा और मिड अक्टूबर तक सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाईस पे थे। फेड टेपरिंग और ओमिक्रॉन वेव की एंटिसिपेशन से दिसंबर में करेक्शंस देखने को मिले। ओवरऑल एनएससी के सभी 9 सेक्टोरल इंडिसीज ने राइज किया 2021 में। सबसे ज्यादा राइज किया एनएससी निफ्टी मेटल इंडेक्स ने, उसके बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने। बैंक, एफएमसीजी और फार्मा इंडिसीज ने सबसे कम गेन किया, लेकिन फिर भी इन इंडिसीज ने कम से कम 10% राइज किया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, निफ्टी 500 में ऐसी 10 कंपनीज थी जिन्होंने इन्वेस्टर्स के फंड 4x से इंक्रीज किए। टाटा टेली सर्विसेज ने आउटस्टैंडिंग 2529% रिटर्न दिया। इसका मतलब है कि अगर आपने इस कंपनी में ₹1 लाख इन्वेस्ट किए होते 2021 की बिगिनिंग में, तो अब तक की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹26.29 लाख हो जाती। अब जहां वेल्थ अर्नर्स है वहां कैश बर्नर्स तो होंगे ही। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने इन्वेस्टर्स का काफी कैश बर्न किया, वर्थ 53%। अगर आपने साल की शुरुआत में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते उज्जीवन में, तो वो अब तक सिर्फ आपको ₹47,000 का रिटर्न देता। निफ्टी मेटल इंडेक्स टॉप परफॉर्मर रहा। यहाँ सारी 15 कंपनीज ने गेन्स दिए और टॉप 5 कंपनीज ने 100% से ज्यादा गेन्स दिए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स वर्स्ट परफॉर्मर रहा। हाउएवर इट रिकॉर्डेड गेन्स फॉर द सेकेंड स्ट्रेट ईयर आफ्टर 3 years ऑफ नेगेटिव ग्रोथ। ग्लोबली अगर देखा जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी टॉप परफॉर्मर्स रहे आफ्टर CAC 40 एंड S&P 500। तो आखिर 2022 का आउटलुक क्या है? 2022 में मार्केट्स का ट्रांजिशन हो सकता है अर्ली साइकिल से मिड साइकिल में। मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलस का विड्रॉल इस ट्रांजिशन को ड्राइव करेगा, सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन 2003 एंड 2009 मार्केट साइकिल्स। ऐसे ट्रांजिशंस में वॉलिटिलिटी जनरली ज्यादा होती है और इक्विटी रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं। जिन कंपनीज की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो ब्रॉडर मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेंगी। अब नजर डालते हैं एक्सपेक्टेशंस पर। इक्विटीज बॉन्ड्स और कैश को आउट परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन रिटर्न्स थोड़े मॉडेस्ट हो सकते हैं एज कंपेयर टू रीसेंट ईयर्स। अगर गवर्नमेंट अपना रिफॉर्म मोमेंटम कंटिन्यू रखेगी तो इंडिया हायर FDI इनफ्लोस अट्रैक्ट करेगा। केपेक्स स्पेंडिंग में रिवाइवल एक्सपेक्टेड है ड्यू टू फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड रोबस्ट कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी मॉनेटरी पॉलिसी की नॉर्मलाइजेशन की वजह से, बट सेंट्रल बैंक्स की तरफ से एक ओवर टाइटेंड स्टांस रिस्की एसेट्स में हाई वॉलिटिलिटी ला सकता है। फास्ट चेंजिंग जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस, ग्लोबल मैक्रो शॉक्स और इंडिया की ऑयल इंपोर्ट्स पे एक्सेसिव डिपेंडेंस की वजह से मैक्रो इकोनॉमी वल्नरेबल रहेगी। एंड ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन का स्प्रेड भी शार्प करेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर स्टोरी कवर करें देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।